मक्के की आटे की रोटी और सरसों का साग सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन जो लोग पंजाब से नहीं हैं या जिनकी फैमिली में रेगुलर तौर पे मक्के के आटे की रोटी नहीं बनाई जाती है, उनके लिए मक्के की आटे की रोटी बनाना थोड़ा सा शायद कठिन हो सकता है। तो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपको मक्के के आटे की रोटी बनाने के दो बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी। जिसने कभी भी लाइफ में मक्के की रोटी ना बनाया हो, वो भी इस तरीके से बहुत आसानी से मक्के की आटे की रोटी बना सकते हैं। और सर्दियों के समय मक्के के आटे की रोटी खाना काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तो आप सब स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और मेरे वीडियोस इसी तरह से देखते रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमें जितनी मक्के की आटे की रोटी बनानी है उतना ही हमें आटा लेना है। तो मैं आज यहाँ करीब करीब दो भर के मुट्ठी आटा ले रही हूँ, करीब करीब चार रोटी बनेगी। और मक्के के आटे को हमें हमेशा गुनगुने पानी से गूंथना होता है, तो गुनगुने पानी से मैं इसे गूंथ रही हूँ और इसे हमें बहुत मसल मसल के गूंथना होता है। तो करीब करीब हम इसे 8 से 10 मिनट तक बहुत अच्छे से मसल मसल कर गूंथेंगे। इसमें दो सावधानियाँ आपको रखनी है। पहला, मक्के का आटा एकदम फ्रेश होना चाहिए। मक्के का आटा जितना अच्छा होगा रोटियाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी। मेरा ये जो आटा है ये है तो पैकेट वाला ही, लेकिन ये आज का ही पिसा हुआ है। इसके ऊपर जो डेट है वो आज की ही है। तो मक्के के जब फ्रेश पिसे हुए आटे से आप रोटियां बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी बनेंगी। दूसरी सावधानी ये है कि इसे हमें बहुत अच्छे से मसल मसल कर गूंथना है। हम गुनगुने पानी से इसे गूंथ रहे हैं, लेकिन इसे हम 8 से 10 मिनट तक बहुत अच्छे से मसल कर गूंथेंगे। आटा गूंथते गूंथते हमें चिकना जैसा लगना चाहिए। और अगर एक दो मिनट समय ज़्यादा भी लगे तो आप ज़्यादा समय दीजिए, लेकिन एकदम गूंथते गूंथते मुलायम सॉफ्ट सा डो हमें इसे बनाना है। और डो बनाने के बाद इसे हम कवर करके करीब 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद इससे हम रोटियां बनाएंगे। तो 15 मिनट बाद इस आटे को हम थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं, करीब 1 मिनट, और उसके बाद इससे हम पेड़े काट लेते हैं। तो मैंने इससे 4 पेड़े काटे हैं। मक्के के आटे की रोटी का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। इसमें फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये ग्लूटेन फ्री होता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अब इसको बेलने की ट्रिक। मक्के के आटे में ग्लूटेन नहीं होता है, इसलिए इसे बेलना बहुत दिक्कत होता है। तो इसे बेलने के लिए हमने इस तरीके का एक पॉलीथीन का शीट लिया है। आप चाहें तो दो अलग अलग शीट भी ले सकते हैं। और इस पॉलीथीन शीट के ऊपर हम थोड़ा सा तेल अप्लाई कर देंगे। पॉलीथीन शीट ना लेना चाहें तो आप पार्चमेंट पेपर, जो हम केक के बेकिंग के समय टीन पर लगाते हैं, वो वाला पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर लोई रखकर इसके बाद हम इसे आराम से हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। जैसा नॉर्मल हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। रोटी ज़रूरी नहीं कि गोल बेले, अगर आप गोल बेल पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप गोल ना बेल पाएँ तो क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। गोल ना बेल पाएँ तो कोई भी एक गोल सा ढक्कन लेकर आप एक्सेस आटे को निकाल दीजिए। बस हो गई बहुत बढ़िया गोल सी मक्के के आटे की रोटी। अब इसे हम सेक लेते हैं। तवा हमने अच्छे से गरम कर लिया है। तवे में हमें तेल घी कुछ भी नहीं लगाना है। इसके ऊपर हम रोटी को डाल देते हैं। जब ये एक तरफ से सिक जाए और ऊपर का सरफेस ड्राई होने लगे तब इसे हम एक बार पलट देंगे, और पलटने के बाद हम दूसरी तरफ भी इसे अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए, और जब दोनों तरफ अच्छे से ब्राउन से चित्ते से आ जाए तब इसे हम कपड़े से दबा दबा कर फुला लेंगे। आप शायद जानते ही होंगे कि मक्के के आटे की रोटी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे कब्ज दूर होता है, क्योंकि इसमें बहुत फाइबर होता है और एनीमिया को भी कम करता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो मक्के की आटे की रोटी ज़रूर खानी चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है कि कई तरह के अनाज, मिले जुले अनाज खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी कम रहता है। तो बस हमारी बहुत ही बढ़िया रोटी तैयार हो गई। आप चाहें तो इसे घी लगाकर पराठे जैसा भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज रोटी ही सेक रही हूँ। और नीचे उतारने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घी लगा लूँगी। तो ये तो हुआ पहला वाला तरीका। अब दूसरा तरीका,
दूसरा तरीके के लिए भी हम यही पॉलिथीन शीट को रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा हल्का सा तेल लगा हुआ है और इसके ऊपर हम एक पेड़े को रख देते हैं और उसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ा सा सूखा मक्के का आटा, और मक्के का आटा डालने के बाद इसे हम उंगलियों से दबा दबा कर इसे फैलाएंगे। ये तरीका भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको देखकर शायद थोड़ा अलग सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप अपने हाथों से करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है। और जब इसे हम थोड़ा गोल सा फैला लें तब इसे हम हाथ पर निकाल कर तवे के ऊपर डाल देंगे और बिल्कुल उसी तरीके से सेक लेंगे। तो अगर आज के पहले अगर आपने कभी भी मक्के के आटे की रोटी ना बनाई हो तो भी आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से मक्के की आटे की रोटी बना सकते हैं। तो सरसों के साग या शलगम की सब्जी के साथ आप इसे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये मक्के की रोटी बनाने का तरीका पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। और अगर आप अमृतसरी छोले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और फाइनल ट्रिप, जो बैचलर्स हैं या बिगिनर्स हैं और जिन्हें अच्छे से रोटी बनाना नहीं आता है, वो आटे की रोटी भी इस तरीके से बना सकते हैं।